नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। 15 नवंबर को सिनेमाघरों में विक्रांत मैसी की द साबरमती फिल्म रिलीज हुई। यह फिल्म 2002 में हुए गोधरा कांड पर बनी हुई है। फिल्म को काफ़ी तारीफें मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म की तारीफ की है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। मध्य प्रदेश के सभी विधायक और सांसद इस फिल्म को देखने जाएंगे। लेकिन इसी बीच इस फिल्म को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने हिंदू भाइयों को भड़काकर ये जुर्म कबूल करवाया है, उनकी हालत क्या है जाकर देखिए। साथ ही उन लोगों से पूछ लीजिए जो गोधरा कांड में प्रताड़ित और अनाथ हुए हैं, न तो उन लोगों का पुनर्वास हुआ है। उन लोगों से पूछ लीजिए जो गोधरा कांड में प्रताड़ित हुए, अनाथ हुए, जिनको न तो उनका पुनर्वास हुआ, और यही नहीं है, जिन लोगों को भड़काकर, जिस हिंदू भाइयों को उन्होंने भड़काकर ये सब जुर्म करवाया, वो आज के हालात में है, जरा भी पता लगा ली। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ये ऐसी फिल्म है जिसने गोधरा कांड की सच्चाई सामने लाने की कोशिश की है। इसके अलावा मंत्री सारंग ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस हर समय बहुसंख्यक समाज को बदनाम करने की कोशिश करती रहती है और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। साबरमती रिपोर्ट एक ऐसी फिल्म है जिसने गोधरा कांड का दूध और पानी का पानी सामने, समाज के सामने लाने का काम किया है। वो 59 लोग जिनकी मृत्यु गोधरा कांड में हुई थी, ट्रेन में, जिसमें ट्रेन को जलाया गया था, उसका पूरा तथ्य इस फिल्म के माध्यम से सामने आया है। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने और विपक्ष के नेताओं ने हर समय, उस समय गुजरात को लेकर पूरी दुनिया में गुजरात को बदनाम किया था, अलग नैरेटिव बनाया था, पर इस फिल्म में अब दूध का दूध और पानी का पानी सामने आया और फिर एक बार ये बात समाज के सामने आई कि कांग्रेस हर समय बहुसंख्यक समाज को बदनाम करने के लिए इतिहास को तोड़ती है, मरोड़ती है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवम जी। जी नमस्कार हिमानी जी, नमस्कार। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा जी मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि जी। जी नमस्कार हिमानी जी। मेरा पहला सवाल कि एक फिल्म आई और इसको लेकर इतनी राजनीति आखिर क्यों हो रही है? जी राजनीति नहीं हो रही है। देखिए समाज में इस तरह की फिल्में हो या कोई किसी प्रकार के नाटकों का मंचन हो, उनका स्वागत तभी होता है जब उनका समाज से कोई सरोकार हो या समाज में अपनी स्पष्ट भूमिका रखते हो। इस तरह की जो फिल्में हैं वो आधे अधूरे कहानी किस्सों के साथ केवल समाज में प्रसारित की जा रही हैं, जिनका समाज से कोई वास्ता नहीं है, उस सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है जो सच्चाई के नाम पर परोसा जा रहा है। सच्चाई से आज भी फिल्में कोसों दूर हैं। आज इस तरह की फिल्में केवल समाज में विघटन, बंटवारा, नफरत, हिंसा की ओर केवल बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि अतीत में जो बीत चुका है वो किन कारणों से बीता और उनके लिए कौन जिम्मेदार रहा, अगर स्पष्टता के साथ इन सब चीजों को दिखाया जाता तो आज इस तरह का हंगामा या इस तरह की बात निकल कर नहीं आती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस तरह की फिल्में बनती हैं या किसी प्रकार का नाटक मंचन होता है तो कम से कम सत्यता के आधारित घटनाओं से, सत्यता के आधार पर हो। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी आरोप लगाया है कि हिंदुओं को भड़काकर उन्हें जुर्म कबूल करवाया गया था उस समय, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए कांग्रेस पार्टी सदैव इसी मानसिकता के साथ ग्रसित रहती है और दिग्विजय सिंह उस विचार के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं, जिसमें हिंदुत्व को, हिंदुओं को लगातार कहीं ना कहीं एक ऑपरेसर के रूप में इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। गोधरा की सच्चाई जब आज इस प्रकार से एक फिल्म के माध्यम से सामने आ रही है, प्रामाणिक और ऐतिहासिक तथ्यों को संज्ञान में लेने के पश्चात यह फिल्म बनाई गई और आप यह भी देखेंगे इसमें कई सारे ऐसे अभिनेता है, डायरेक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की जो विचारधारा है, जो राइट विंग आइडियोलॉजी है, उसके विपरीत विचारधारा के हैं, बावजूद इसके उन्होंने तथ्य परक ढंग से इस फिल्म को बनाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी को उससे भी आपत्ति है, क्या दिखाता है कि कांग्रेस का इतिहास के प्रति किस प्रकार का विद्वेष रहा था। इन्होंने एक अपने चश्मे के साथ इतिहास को रंगने और देखने का काम किया और आज जब वास्तविकता निकल करके सामने आ रही है तो इस प्रकार की आपत्तियां कांग्रेस पार्टी को है। कांग्रेस पार्टी का सदैव ही जो लोकतंत्र में अपने विचारों को रखने की एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, उससे आपत्ति रही है और यही कारण है कि कांग्रेस के शासनकाल में वह आधी फिल्म का, चाहे बात हो उसको बैन कर देने का विषय हो
किशोर कुमार के गानों पर प्रतिबंध लगा देने की बात हो, सैटेनिक वर्सेस जैसी किताबों को कहीं ना कहीं भारत में प्रतिबंधित करने का विषय हो, ये तमाम पाप कांग्रेस पार्टी के खाते में दर्ज है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी फिल्म को, एक भी किताब को कहीं पर कोई बैन नहीं किया है, सभी को स्वतंत्रता है अपने तरीके से अपना विचार रखें। और यह जो साबरमती एक्सप्रेस है, जो फरवरी 2002 में गोधरा में जो एक घटना घटित हुई थी, उसके तमाम ऐतिहासिक तथ्यों को आज देश की जनता के सामने ला रहे हैं। और सच्चाई पर तो देश की जनता का अधिकार है, और स्वाभाविक तौर पर वह सच्चाई आज निकल करके सामने आ रही है। कौन से संप्रदाय, कौन से वर्ग के वह लोग थे जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, किन्होंने किनके षड्यंत्रों के परिणाम स्वरूप लगभग 60 लोगों को साबरमती जो उस एक्सप्रेस थी उसकी एक बोगी में इस प्रकार से जल करके गोधरा के रेलवे स्टेशन पर खाक हो गए, यह तमाम चीजें देश के इतिहास में दर्ज हैं। और स्वाभाविक तौर पर उसका एक बहुत ही तथ्यपरक चित्रण इस फिल्म में किया गया है, और इसको हम पूरी तरीके से प्रोत्साहित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र के हमारे गृह मंत्री जी ने इसकी तारीफ की, और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है, और सामूहिक तौर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हमारे संगठन के भीतर भी इस फिल्म को सामूहिकता के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि इतिहास से जुड़े हुए कई सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको आज सामने लाने की आवश्यकता थी, और यह इतिहास में जमी हुई उस धूल को हटाने का यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास इस फिल्म के रूप में देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस की आपत्ति यही बता रही है कि इनकी जो दुखती हुई नब्ज है उस पर जब कोई व्यक्ति हाथ रखता है तो इसी प्रकार से कांग्रेस षड्यंत्रकारी मानसिकता और मंसूबों को अपने सक्रिय करती है, और लगातार इस प्रकार की बातचीत कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से देखने को मिलती है, जबकि देश की जनता और आम जनमानस में फिल्म को लगातार सराहना का वातावरण है, और वही हमको देखने को मिल रहा है। आपने इतिहास की बात की तो 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन पर इस कांड को लेकर आरोप लगा था। देखिए देखिए हिमानी जी, इस देश में न्यायपालिका पर सभी का विश्वास बहुत ही दृढ़ और प्रागढ़ है, और उसके बाद जितनी भी कमेटियां बनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इस पूरे प्रकरण की कहीं ना कहीं छानबीन की गई, जांच की गई, और तमाम तथ्य निकल करके सामने, और माननीय प्रधानमंत्री जी को क्लीन चिट प्रदान की गई। यह दिखाता है कि देश में न्यायपालिका न्याय व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है। कांग्रेस और एक जो पूरी वेस्ट लिबरल लॉबी और पूरी वामपंथी जो इतिहासकारों का समूह रहा था, उसने प्रधानमंत्री जी के ऊपर निजी आक्षेप किए, अपने पूरे इकोसिस्टम का उपयोग पूरी तरीके से हिंदुत्व की जो विचारधारा है, हिंदुवादी जो सोच है, उसको कहीं ना कहीं बहुत ही नकारात्मक रूप में चित्रित करने के लिए किया, जिसको जवाब देने का काम हमने तब भी डट करके किया था, आज भी हमारे संगठन के भीतर हमारी सरकारें लगातार इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो उस पूरे घटनाक्रम के बाद कई बार, तीन बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, और जनता का लगातार जो उनके ऊपर आशीर्वाद था वह बढ़ता ही चला गया। यह दिखाता है कि किस स्तर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को जनता की भावना के साथ जुड़ करके राजनीति करना आता है। और कांग्रेस पार्टी, जिसने सदैव ही हिंदुत्व को कहीं ना कहीं एक ऑपरेशन के रूप में दिखाने का प्रयास किया, हिंदुओं को कहीं ना कहीं एक द्वयम दर्जे का नागरिक कांग्रेस के शासनकाल में देश के अंदर रखने की जो कांग्रेस की मानसिकता थी, जिसमें मनमोहन सिंह जी के उस बयान से हम शुरुआत कर लें कि संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, उसको लेकर के एक लंबी श्रृंखला रही है जिसमें यह हिंदूवादी जो शक्तियां हैं उनको बोको हराम और कहीं ना कहीं इस प्रकार से आतंकवादी संगठनों से तुलना कर देते हैं। तो कांग्रेस की मानसिकता, इस विचारधारा को जवाब देने का प्रयास आज इस देश का एक जो जागृत जनमानस है वह कर रहा है, और कांग्रेस को इसी कारण से लगातार पीड़ा की अनुभूति हो रही है। रवि वर्मा जी क्या कहेंगे इन आरोपों पर? देखिए, आरोपों से सच्चाई से कोसों दूर है आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनकी पूरी भाजपा, क्योंकि जिस तरीके से राम भक्तों का खून बहाया गया, गुजरात में जिस तरह की हिंसा और घटना हुई वो किनकी सरकारों में हुई है, उन्हें स्वीकार करना चाहिए ना कि उनकी सरकार। अरे गोली किसने चलवाई गौ भक्तों पर, राम भक्तों पर, यह तमाम चीजें रवि जी इतिहास में दर्ज है, इस पर किसी को कोई शक अथवा सुभा नहीं है, किनके पाप है ये? थोड़ा सा अच्छे बन जाइए, आप भाजपा में चले गए हैं। देखिए, झूठ बोल के पद हासिल कर लेंगे, झूठ बोलकर कुछ अपनी नंबर्स बढ़ा लेंगे, इस तरीके से नहीं होता है। आपने अपनी बात कही, मैंने सुनने का पूरा काम किया, अब जवाब दे रहा हूं तो सुनने का साहस रखें। इस तरीके से नंबर नहीं बढ़ेंगे मीडिया में। जनता से जुड़ा हुआ विषय गंभीर विषय है, और गंभीर इस बात से हो जाता है, मैं इस पूरी हिम्मत और ताकत के साथ कहता हूं, क्योंकि यह जो घटना हुई है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है, तो आखिर क्यों भूल जाते हैं कि राम भक्तों का खून किनकी सरकार में बहाया गया? आज उनका कोई दोषी है? आज निश्चयचल महाराज तक कहते हैं इस बात को कि अगर राम भक्तों का खून बहाया गया है तो भारतीय जनता पार्टी की इसमें संलिप्त है। इतने बड़े महाराज, इतने बड़े हिंदू सनातनी संत है, वो तमाम संतों का ये आरोप है, तमाम देश की जनता का भी एक प्रेडिक्शन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सरकार की जो है उदासीनता के चलते इस तरह की घटना को वहां अंजाम दिया गया। तो कौन लोग इसमें शामिल थे? आज भी आधे दूरे एपिसोड के सामने फिल्म आ रही है, तो
सामने जो निकल कर बात आ रही है, मंदिर कौन कब जाएगा ये भाजपा तय नहीं करेंगे, ये नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी कोई देश नहीं है, ये भाजपा तय नहीं करेगी मंदिर कौन कब जाएगा, उसके बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के कहने पे नहीं, उसके बाद आरोप जो आज भारतीय जनता पार्टी के वो झूठे हैं, आप मंदिर कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे ये भाजपा तय नहीं करेगी। तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता होकर आए हैं, राम मंदिर और रामलला के दर्शन कर आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के आधार से नहीं, लोकसभा में बता दिया है अयोध्या की जनता ने कि किस तरीके से राम के नाम पर, किस तरीके से तमाम आज देश के विभिन्न ऐसे स्थान हैं जहां भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का कार्ड चलाती है, देश में नफरत और हिंसा का भाव पैदा करती है, वहां भारतीय जनता पार्टी का और उनके नेताओं को नकार दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को अभी भी सबक लेना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी की, जो उसका सपना था किस तरीके से अयोध्या की जनता ने चकनाचूर किया है, धर्म की आड़ में, हिंदुत्व के आड़ में जिस तरीके से नफरत का भाव, नफरत के बीज बोते हैं ना, इनके बीज अब देश में नहीं पनपने वाले हैं। अयोध्या की जनता ने, तमाम हमारे ऐसे धार्मिक स्थल है, उन जिलों ने, उन शहरों ने ये बता दिया है, भाजपा न जाने किस मुगालते में है, अगर इस तरीके के मुगालते में रहे तो रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक जनता की सजग प्रहरी है और इस तरह की जब जब विमनस्ता फैलाने वाली पिक्चर आएंगी तो उनका इसी तरीके से बहिष्कार बिल्कुल होगा, क्योंकि देश में और भी तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर काम कर लेना चाहिए। अभी 500 का ही मामला है, जब 500 कॉलेज जो है आपात्र पाए गए हैं, तो मध्य प्रदेश का ये असल विषय है, इसको कब सुधारने का काम करेगी मोहन यादव जी की सरकार। देखिए राजनीति में लगातार ऐसे मुद्दे उठते हैं लेकिन जो मेन मुद्दे हैं उनको लेकर कोई बात ही नहीं करता। मानी जी, इमानी जी, कांग्रेस पार्टी उसी असल मुद्दे पे चर्चा करना चाहती है कि 500 कॉलेज आपात्र पाए गए हैं और ये सारे के सारे कोविड टाइम में बने थे, जब देश और मध्य प्रदेश, आपके मेरे तमाम नाते रिश्तेदार एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे, तब भारतीय जनता किस तरीके से फर्जी कॉलेज खोल रही थी, किस तरीके से जान माल का सौदा कर रही थी, आज इस असल विषय पर जेल में डालने की आवश्यकता है उन तमाम भ्रष्टाचारी मंत्रियों को जो इनकी आंख के तारे बने हुए हैं, आज इन असल विषयों पर काम करें ना, समाज में आखिर कब तक बंटवारा और विमनस्ता की राजनीति करेगी भारतीय जनता पार्टी। इन पर क्या कहेंगे शिवम दुबे जी? देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत प्रमुखता के साथ मानना है कि विकास और विरासत से जुड़े हुए विषय समानांतर रूप से चलने चाहिए, हमें हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, जो भ्रांतियां हैं, उनका भी निराकरण करने की आवश्यकता है, और इसके साथ ही साथ विकासवादी राजनीति के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, निवेश की बात हो, शिक्षा और स्वास्थ्य का विषय हो, यह तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें संकल्पित होकर के रिजॉल्व कर रही है। लेकिन इन विषयों की ताक पर जो हमारे आध्यात्मिक गौरव से जुड़े हुए विषय हैं, हमारी ये जो ऐतिहासिक विशिष्टता है और हमारे देश की जो सनातन संस्कृति है, उसकी तिलांजलि नहीं दी जा सकती। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत दृढ़ विचार है, इसको लेकर के कोई किंतु परंतु की राजनीति हम नहीं करते हैं। बहुत स्पष्टता के साथ हमारा मानना है कि विकास की राजनीति अपनी जगह पे स्टैग्नेंट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो पाप है, जो हिंदुत्व के विरुद्ध इनका एक जो पूरा क्रूसेड इन्होंने छेड़ रखा है, इन तमाम चीजों का भी जवाब देने की आवश्यकता बहुत ही बड़े स्तर पर है, और लगातार हमारी सरकार बहुत मजबूती के साथ उस दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के पापों को आज देश की जनता देख रही है, और यही कारण है कि तीसरी बार भी ये अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ खराब प्रदर्शन ही कर पाने में सफल हो पाए हैं, वही हमारी सरकार अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके जनमत को हासिल कर पाई है। यह लोग अयोध्या को बदनाम करने के लिए उसको फैजाबाद की लोकसभा के सीट के परिणामों के साथ जोड़ते हैं, राम मंदिर के शिलान्यास में नहीं गए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, लेकिन यह लोग अयोध्या की जीत को पूरे हिंदुत्व की हार के रूप में कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों को जवाब देने की बहुत मजबूत आवश्यकता है, और लगातार हमारा संगठन, हमारी सरकार उस दिशा में मजबूती के साथ प्रयासरत होकर के कार्यरत रहती है। और इसके साथ ही साथ यह भी समझने की आवश्यकता है कि गोधरा की बात हो, मोपला की बात हो, मालेगांव की बात हो, किसी भी देश का कोई भी अंचल हो, लगातार मुंबई के दंगे हो जाए, दिल्ली के दंगे हो जाए, चेन्नई में बॉम्ब ब्लास्ट की घटनाएं हो जाए, एक वर्ग विशेष के लोगों ने षड्यंत्र किया और उन्होंने इस प्रकार से न जाने कितने ही निर्दोष लोगों को असमय काल कवलित होने पर विषय किया, और किसके संरक्षण में यह लोग इस प्रकार के मंसूबों को लगातार आगे बढ़ा पाए, स्वाभाविक तौर पर उसमें कांग्रेस और कांग्रेस की पूरी लीडरशिप उनके साथ खड़ी थी। बाटला हाउस के एनकाउंटर के बाद सोनिया जी की आंखों के आंसू उन्हीं लोगों के लिए निकलना शुरू हो जाते हैं, और आतंकवादियों के लेजी की बात हो, प्रधानमंत्री आवास में आतंकवादियों को होस्ट करने का विषय हो, यह तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी के एक कहीं ना कहीं बही खाते में दर्ज है। और आज साबरमती उस पूरी एक जो फिल्म से इनकी आपत्ति है, दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी वास्तव में किस स्तर तक की अलोकतांत्रिक विचारधारा को आत्मसात किए हुए है, कि एक फिल्मकार को भी अपने निजी तथ्यों से, जो उनका एक पूरी स्टडी है उसके आधार पर बनाई गई फिल्म को आज रखने की अधिकारिता क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं
नेताओं को इससे आपत्ति हो रही है। तो इस मानसिकता से आज देश ऊपर आ रहा है और लगातार देश की जनता इसका प्रतिकार कर रही है। रवि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस फिल्म को क्या कांग्रेस देखने जाएगी? देखिए हिमानी जी, दरअसल सर ढाकते हैं तो पांव उगर जाता है और पांव ढाकते हैं तो सर उगर जाता है। शुभम जी की यही हालत हो चुकी है इस चर्चा में, क्योंकि वो लगातार पाप पाप कर रहे हैं और पाप है कि भारतीय जनता पार्टी का छुपने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि पाप ही इतने खतरनाक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किए कि उस पाप से आप भारतीय जनता पार्टी पीछा छुपा नहीं पा रही है। ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, किस मालेगांव ब्लास्ट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के किस नेता की संलिप्तता थी, उसकी बाइक और मोटरसाइकिल तक की संलिप्तता निकल कर आई और उस नेता ने अपने एफिडेविट में, चुनावी एफिडेविट में इस बात को स्वीकारा कि उनके एफिडेविट में तमाम वो धाराएं थी जो देशद्रोही हैं या एक आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं। तो तमाम ऐसी घटनाएं हैं, ध्रुव सक्सेना जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पलते हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं, मुंबई के डीआरडीओ में जो आरएसएस के प्रतिनिधि कुरुलेकर थे वो देश के लिए जासूसी करने का काम करते पाकिस्तान को, तो भारतीय जनता पार्टी की ये पापी तो है तो जो देश को बांटना चाहते हैं, नफरत और हिंसा की ओर ले जाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं पापों को शायद शुभम शुक्ला जी गिनाना चाहते हैं। तो हो सकता है शुभम शुक्ला जी इन पापों का स्पष्ट रूप से जवाब ना दे पा रहे हो, उनके अंदर का इंसान ना कह पा रहा हो, लेकिन यही वो पाप है जिनको वो उजागर करना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी भी उजागर कर रही कि भाजपा की यही तो वो पाप है कि कब तक ये बांटेंगे, कब तक काटेंगे। ये जो नजर है भारतीय जनता पार्टी की, ये जो नफरत की राजनीति है, वो इस पर देश नहीं चलेगा, क्योंकि भाजपा जब जब इस तरीके के एजेंडे लाएगी मुंह की उसे खानी पड़ेगी। आप जो विषय कह रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी इस तरह की फिल्मों को ना देखती है ना ही बढ़ावा देती है जो नफरत और हिंसा को इस समाज में बांटने का काम करते हो। इनका हिस्सा और इनसे जुड़ाव तमाम भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता और आरएसएस जैसे संगठन ही स्वागत कर सकते हैं, क्योंकि नफरत की और बांटने के काटने की जो राजनीति है वो भाजपा का मूल चरित्र है। कुछ वक्त पहले एक और फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, उस पर भी बहुत हंगामा हुआ, बहुत सियासत हुई। जब भी ऐसे किसी मुद्दे पर फिल्म आती है, राजनीतिक पार्टियां इसे हिंदू और मुस्लिम को लेकर आ जाती है, ऐसा क्यों होता है आखिरकार, इस पर क्या कहेंगे? हिमानी जी, कांग्रेस नहीं, इस तरह की स्क्रिप्टेड फिल्में भारतीय जनता पार्टी या उनसे जुड़े हुए लोग भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए बनाएंगे और समाज में विमनस्ता फैलेगी। तो कांग्रेस पार्टी को अगर जनता ने एक लोकतंत्र के सजग प्रहरी में रूप में चुना है, तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा जनता के प्रहरी के रूप में काम करेगी। विरोध केवल इस बात का नहीं है, विरोध इस बात का है कि इस तरह के लाभ पहुंचाने की दिशा और दशा से अगर कोई काम करेगा तो उसको मुंह की जनता भी खा देगी और भारतीय जनता पार्टी का यही हाल होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पूर्व भी जिस तरह की फिल्में आई थी उनका क्या हश्र हुआ है सबने देखा है कि ढूंढे से कलाकार और ढूंढे से उनको देखने वाले नहीं मिले। अब भाजपा और भाजपा का परिवार देखना चाहता है, टिकट खरीदना चाहता है तो खूब खरीदे, जनता के पास तो इतना पैसा और समय नहीं है कि इस तरह की फालतू और झूठी फिल्मों को देखने के लिए जाए। शिवम शुक्ला जी, देखिए हिमानी जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि अगर जनता के पास समय नहीं है, जनता इस फिल्म को देखना नहीं चाहती है, तो कांग्रेस को इतनी आपत्ति किस चीज से है? स्वाभाविक सी बात है, जो जन भावना स्वीकारोक्ति की है उसको देख करके कांग्रेस इतनी व्याकुल महसूस कर रही है। उनके जो पाप है, उनके जो कुकर्म है, वो आज देश और प्रदेश की जनता देख पा रही है, और जब पर्दे के माध्यम से देखती है तो स्वाभाविक तौर पर जनता के वो पुराने जख्म ताजा हो रहे हैं जो कांग्रेस ने शासन में रहने के दौरान देश के लोगों को देने का काम किया है। जब भी इस प्रकार से कोई ऐतिहासिक तथ्यों पर फिल्म आती है जिसमें कांग्रेस के जो पूरे पाप है उनको उजागर किया जाए, तो कांग्रेस की आपत्ति इसी प्रकार की रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शिवम शुक्ला जी और रवि वर्मा जी। जी, अब ये जो फिल्म बनी है द साबरमती एक्सप्रेस, इस पे इतनी सियासत शुरू हो गई है कि बीजेपी क्या बोल रही है, कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं, और साथ ही जो बीजेपी है ये इस फिल्म को पूरा सपोर्ट कर रही है, और साथ ही जो कई जो मध्य प्रदेश में इसको टैक्स फ्री भी कर दिया गया है, जो विधायक है, जो सांसद है, वो भी इस फिल्म को देखने जाएंगे, और ऊपर कांग्रेस है इसके बिल्कुल उलट काम कर रही है, वो जो इस फिल्म को लेकर बीजेपी के ऊपर कई आरोप लगा रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।